देखिए आपको पता है कि ये कंगना और टंगना जो अंधभक्त हैं, जनता को नहीं कहेंगे, जो अंधभक्त हैं वो इतने अंधे हो चुके हैं कि ना उन्हें अपनी स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियां दिखती हैं, कि कंगना जैसी औरतें जो होती हैं वो ड्रग्स शराब की सेवन करने वाली महिलाएं हैं, है ना। तो अब उनको वो आजादी मोदी जी ने दी है, अब वो चाहे ड्रग्स पिए चाहे ड्रग्स से नहा ले, क्योंकि सत्ता जो है उनके बाप की जागीर है, इनकी पुश्तैनी जागीर है कि देश का भविष्य कहाँ जाएगा, देश का भविष्य कहाँ जाएगा या बेटियों का भविष्य कहाँ जाएगा। कंगना रनौत ये नाम जब भी आता है और जब भी अभिनेत्री कंगना रनौत का जिक्र होता है तो आप समझ जाते होंगे कि मैडम ने कुछ बवाला कर दिया है, कुछ हंगामा खड़ा कर दिया है। जी हाँ, कंगना रनौत जब भी बोलती हैं तो देश में हंगामा खड़ा ही हो जाता है, क्योंकि वो बोलती ही ऐसा है। जी हाँ, एक बार फिर कंगना रनौत ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे देश में तूफान आ गया है। कंगना रनौत का मानना है कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी नहीं थी, वो एक भीख थी, और असली आज़ादी तो मिली है 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। जी हाँ, उसके बाद से लगातार कंगना रनौत के ऊपर लोग हमलावर हैं, खासकर जो विपक्षी दल हैं। एक न्यूज़ चैनल में उन्होंने ये बयान दिया था, और जब कंगना जी ने ये बयान दिया था तो वहाँ पर सूट बूट में बैठे लोग तालियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। जी हाँ, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता कि क्यों उनको कंगना रनौत का बयान पसंद आया, क्यों किसी ने नहीं रोका जब फ्रीडम फाइटर्स का अपमान हो रहा था, जब कंगना जी देश की आज़ादी पर सवाल खड़े कर रही थी, क्यों उस वक्त वहाँ बैठी एंकर ने क्यों कंगना को नहीं टोका और क्यों वो देश के फ्रीडम फाइटर्स का अपमान होते हुए देखती रहीं और सुनती रहीं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ झांसी की रानी उज्मा परवीन जी हैं। उज्मा परवीन जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि CNRC के प्रोटेस्ट से ये सुर्खियों में आई, आपने इनको तमाम न्यूज़ चैनलों पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर आपने इनको देखा होगा, इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उज्मा जी, अभिनेत्री कंगना रनौत का कहना है कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, जो असली आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। देखिए आपको पता है कि ये कंगना और टंगना जैसी इतनी जो महिलाएं हैं जो विवादित बयान रोज़ आए रोज़ दे रही हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही हैं, जिन्होंने अपनी अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, अपने परिवार की भी परवाह नहीं की, उन्होंने अपने देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी, आज उनका अपमान हो रहा है, ये देश नहीं सहेगा। लेकिन अभी मैं ये हाल ही में ये बात कह दूं कि जिस तरह से आपने देखा कि चौकीदार जी का क्या संबंध है कंगना रनौत से, तो इस वजह से इस बिहाफ पर उन्होंने ये कहा कि मुझे जो आज़ादी मिली वो 2014 में मिली, उसकी एक वजह मैं आपको ये भी बता दूं कि कंगना जैसी औरतें जो होती हैं वो ड्रग्स शराब की सेवन करने वाली महिलाएं हैं, जिनको आज़ादी नहीं मिल पा रही थी 2014 से पहले खुलेआम ड्रग्स लेने की, खुलेआम शराब पीने की, है ना। तो अब उनको वो आज़ादी मोदी जी ने दी है, अब वो चाहे ड्रग्स पिए चाहे ड्रग्स से नहा ले, क्योंकि उनको वो आज़ादी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो है वो, जहां से आपने देखा अडानी ने ढेरों जो ड्रग्स पकड़ा गया आपने देखा, उस पर भी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं करी गोदी मीडिया ने, और जिस तरह की अभी जो हरकतें आ रही हैं, शर्मनाक हरकतें पेश हुई हैं, और हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक है ये बात कि इस तरह की महिलाएं जो विवादित बयान देकर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही हैं, इनको जो अवार्ड मिला है, जो पुरस्कार मिला है, ये इसकी हकदार नहीं है, इनसे ये अवार्ड छीना जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है जिन्होंने अपनी बलिदान दे दिया, अपने खून की मतलब खून को भी मतलब वो नहीं करा और अपनी आहुति दे दी। तो इस तरह की महिलाओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए मेरे, और वो महिला जिसने अपमान किया स्वतंत्रता सेनानियों का, उनके बारे में बुरा भला कहा और कहा 1947 में भीख में मिली आज़ादी, आपको अगर भीख में आज़ादी मिली होती तो आज आप अंग्रेजों के घर की
टॉयलेट साफ कर रही होती हैं कंगना रनावत जी। लेकिन आप ये बताइए कि कंगना कोई पहली बार विवादों में नहीं आई, अक्सर वो अपने विवादों से सुर्खियां बटोरती रहती है। आज फिर उन्होंने एक और बयान दिया है जिससे दोबारा जो हंगामा मच सकता है और मच भी गया है। महात्मा गांधी पर उन्होंने जो है निशाना साधा है और कहा कि महात्मा गांधी जो थे वो सत्ता के भूखे थे। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह का जो अपमान देश कैसे सह रहा है, खासकर वही सरकार जो लोगों पर मतलब कि धड़ल्ले से केस करती है, मुकदमे करती है, FIR लोगों पर दर्ज होते हैं, लोग जेल जाते हैं, और आज जो है कंगना जी ऐसा बोल रही हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए ये चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये कहीं ना कहीं ये सब सत्ता में बैठे वो लोग हैं जो अपनी करनी पर ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी कहें कुछ भी करें इनके लिए सब माफ़ है, क्योंकि सत्ता जो है उनके बाप की जागीर है, इनकी पुश्तैनी जागीर है, इनको ये विरासत में मिली हुई, ये समझते हैं कि हम एक राजा हैं और जितनी भी जनता है वो प्रजा है, अपने आप को सेवक नहीं समझते हैं ये। और दूसरी चीज़ ये जो महात्मा गांधी का इन्होंने अपमान किया है, तो महात्मा गांधी जी का आपने देखा कि उनके बदन पर कपड़े नहीं हुआ करते थे और वो किस तरह से चरखा चलाते थे और मतलब आज़ादी की लड़ाई के लिए आगे बढ़े, तो जिस तरह कि आप मोदी जी के कपड़े देख लीजिए, उनके सारे कपड़े ब्रांडेड होते हैं, बाहर से आते हैं, करोड़ों के वो सूट बूट पहनते हैं। तो मेरे ख्याल से इन अगर आप फ़र्क लगाना चाहें महात्मा गांधी में और मोदी जी में, तो बहुत आसानी से किया जा सकता है कि वो किस तरह के हैं। उन्होंने दो पोस्ट किए हैं, जो पोस्ट किया है वो भी मैं आपको जरा पढ़ के बता दूं। पहले मैसेज में कंगना ने कहा कि उन्हें सत्ता का भूखा और चालाक बताया, यानी कि महात्मा गांधी जी को, और वहीं दूसरा पोस्ट उन्होंने लिखा है उसमें क्या है कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए, कंगना ने लोगों को सलाह दी है कि वह अपने हीरो समझदारी से चुने, और उन्होंने ये भी लिखा है कि झापड़ मारने वाले के सामने दूसरा गाल आगे करने से आज़ादी नहीं मिली। देखिए ये यहाँ पर जो सत्ता में बैठे गुंडे हैं वो एक नंबर के अपराधी हैं और अपराध से काम करना जानते हैं, उन्होंने यही सीखा है, अपराधी जो जितने भी अपराधी हैं दबंगई से हर काम करो, हर एक को दबंगई से लोगों के लिए जो है क्या नाम है काम करो। तो ये इनका मतलब है कि जो महात्मा गांधी का स्लोगन था कि दूसरा गाल आगे कर दो, तो इनके ये स्लोगन समझ में नहीं आते हैं। तो ये मुझे ये लगता है कि अभी जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन वर्डों का यूज़ हो रहा है इनके लिए, तो वो इनके ऊपर साधा जाना चाहिए। मेरे ख्याल सवाल और खड़ा होता है कि देखिए जब फ्रीडम फाइटर्स का अपमान हो रहा था, जब कंगना जी देश की आज़ादी पर सवाल खड़े कर रही थी, तो वहाँ पर जो एंकर थी मैडम, वो एंकर चुप थी, खामोश थी, मुस्कुराती गई। और एक चीज़ और, कंगना अपमान कर रही थी, आज़ादी पर सवाल खड़े कर रही थी, और सामने जो बैठी ऑडियंस थी सूट बूट में, वो ऑडियंस तालियां बजा रही थी। तो अगर देखा जाए तो अपमान सिर्फ कंगना ने नहीं किया है, बल्कि अपमान जो है वहाँ पर बैठे ऑडियंस और ख़ुद एंकर उन्होंने भी किया है, ना ही किसी ने रोका। और आखिरकार सूट बूट में बैठने वालों जो बैठे थे उनको तालियां बजाने की क्या ज़रूरत थी? देखिए इस तरह की शर्मनाक हरकतें हो रही हैं और समझ लीजिए कहीं ना कहीं देश डूब रहा है, देश की जनता कहीं ना कहीं जो अंधभक्त हैं, जनता को नहीं कहेंगे, जो अंधभक्त हैं वो इतने अंधे हो चुके हैं कि ना उन्हें अपनी स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियां दिखती हैं, ना उनका बहता हुआ लहू दिखा, ना उनकी जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया देश की आज़ादी के लिए, आज आप उन पर चिन्ह लगा रही हैं, आज आप उनके बारे में बुरा भला कह रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो हरकत कंगना रनावत ने करी है, मैं तो उसे कंगना नहीं टंगना कहती हूँ, क्योंकि वो जिस तरह के चौकीदार की टंगना आप समझते हैं कि किस तरह के संबंध हैं, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए कि ये क्या करना चाह रही है देश के अंदर, ये देश चलाना चाह रही है। कंगना जैसे लोग अगर देश की सत्ता में आकर बैठेंगे और देश चलाएंगे, तो देश की जनता फैसला कर ले कि देश का भविष्य कहाँ जाएगा, देश का भविष्य कहाँ जाएगा, या बेटियों का भविष्य कहाँ जाएगा, बेटियों का भविष्य कहाँ जाएगा। सबसे बड़ी तो बात बेटियों की भी आती है ना, क्योंकि जो संस्कार होते हैं वो सबसे पहले एक महिला में होते हैं ना, जब एक महिला में संस्कार भरे होते हैं तभी वो तो परिवार को चलाती है, तभी वो समाज को चलाती है। आपने देखा हमारी प्रियंका गांधी जी ने एक लफ्ज कहा था कि बेटी हूँ और लड़ सकती हूँ, तो मैं उसी बात को कहना चाहती हूँ कि बेटियाँ जो होती हैं वो संस्कारी होनी चाहिए और जो आगे
लड़ सके, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके। इस तरह की नाचने गाने वाली लड़कियां अगर सत्ता में आकर बैठ जाएंगी तो सत्ता क्या पूरा देश डूब जाएगा, और देश कहीं ना कहीं डूब रहा है। अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, बहुत चरमरा चुकी है अर्थव्यवस्था। मुझे लगता है कि बहुत ही सोच और विचार करने की जरूरत है देशवासियों को। तो ये थी उज़्मा परवीन, आपने सुना इनको कि ये क्या पूरा देश जो है इस वक्त कह रहा है, वो चाह भी रहा है कि कंगना रनावत का जो पद्मश्री सम्मान है वो उनसे वापस लिया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन लगातार वो बयान पर बयान दे रही हैं और ये बयान जो है उनका पुराना हो चुका है। 3 से 4 दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार विपक्ष का असर कितना पड़ता है, लोगों का असर कितना पड़ता है, क्या कंगना रनौत के ऊपर कोई कार्रवाई होती है और क्या कंगना रनौत का पद्मश्री सम्मान उनसे वापस लिया जाएगा। मैं अब्दुल, लखनऊ।